नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मध्य प्रदेश सरकार की चिट फंड कंपनियों पर लगाए गए अभियान का असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश सरकार ने चिट फंड कंपनियों के कार्य करने वाले लोगों को आमजन की राशि हड़पने वाले 420 कंपनियों के मालिकों के खिलाफ धोखाधड़ी एक्ट की कार्यवाही करने के लिए अभियान चलाकर आम जन को जागरूक किया। जानकारी अनुसार कोरोना काल में आम जन को ठगी से बचाने के उद्देश्य से चलाया गया अभियान जुलाई 15 से लेकर 29 जुलाई तक आवेदन सम्मिलित करने के लिए थाना परिसर में काउंटर लगाए गए थे, जिनमें सुनवाई पुलिस के अधिकारी करेंगे और ऐसे धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ धारा 420 का मुकदमा भी दर्ज करेंगे। इस पहल से प्रदेश भर के थानों में मामले आवेदक जनता ने दिए हैं, जिस पर अपराध भी पंजीबद्ध हुए हैं, लेकिन आज दिनांक तक अपराधियों को पकड़ने कार्य योजना पुलिस के अधिकारीगण तैनात नहीं कर पाए हैं, जबकि फरियादी पैसे की मांग को लेकर दर दर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जिला भिंड शहर के कोतवाली में पंजीबद्ध किया गया है। चिट फंड कंपनी का कार्य करने वाला दिलीप सिंह कुशवाहा नामक व्यक्ति काफी जनता को गुमराह कर आम जनता का पैसा कंपनी में जमा किया, लेकिन अब समय पूरा होने के बाद भी पैसा वापस नहीं किया जा रहा है। कंपनी के नाम से लाखों रुपए की ठगी का आरोप पहले भी दिलीप सिंह कुशवाहा पर साकेत समाज के व्यक्ति द्वारा लगाया गया है। अपराध 420 भी पंजीकृत किया जा चुका है, लेकिन पुलिस की दरियादिली की वजह से आज भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में आम जनता अपनी फरियाद को लेकर कोतवाली भी जा चुकी है, लेकिन उनकी फरियाद पर कोई भी कार्यवाही नहीं होती नजर आ रही है। प्रदेश सरकार की चिटफंड कंपनियों पर शिकंजा कसने की नीति का असर कम देखने को मिल रहा है। क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री का अभियान आवेदक तक ही सीमित तो नहीं था? प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। बताइए, आपने किस कंपनी में खाता खोला, किस एजेंट के माध्यम से? हमें तो नहीं पढ़े ही नहीं, तो हम पढ़ सके भाई। हाँ हाँ जी, बताइए किसने खाता खोला आपका, कौन था एजेंट, क्या कहा था उन्होंने आप? क्या बोला था खाता खोलने के लिए? खाता खोलने के लिए बोला था हमने कि हमको पैसा घर पे चाहिए। वो बोला कि घर पे, तो हम तुमको घर पे ही पैसा दूंगा। बोले तुम्हें कहीं घूमना नहीं है, और इतनी बोले कि वो हमारी आज बार रसीद दी गया और हम तो पैसा ले लेंगे। कितने रुपए ले लिए आप? 540 रुपए महीना। अरे टोटल कितने साल भर दिया आपने इसको? अब टोटल को हमने भर दिया, नहीं गिन पाएंगे। कितने साल भर दिए? किस साल की है? 500 रुपए से 540 रुपए, 5 साल की। क्या नाम है आपका? राम। ये बताइए क्या मामला आपका, किसने आपके साथ ठगी की? किस्त भरी थी हमने। किस कंपनी में भरी थी? कौन सी कंपनी? फोना कंपनी। फोना में? फोना कंपनी के नाम से बताओ। फोना कौन है, किस एजेंट के माध्यम से? फोना कंपनी से भरी थी हमने। अरे किस एजेंट को पैसे देते थे आप? दलीप कुशवाहा। कहाँ रहता है? गांधीनगर। कितने रुपए दे चुके आप उसको? 620। मतलब 620 रुपए महीने? टोटल कितने भाई साल भर चुके? पूरे 7 साल हो गए भाई। तो 3 साल का 50,000 रुपए कितने भर चुके आप? 70 पहुँच गए। 60-70,000 रुपए। तो आपने उससे मांगे नहीं रुपए? मांगे रुपए, दे देंगे। तो कितने दिन हो गए आपको उससे रुपए मांगते आप? साल भर रह गई। साल भर से आपको घुमा रहा है? क्या कहता है? अच्छा ही कहता है, दे देंगे बस, हमें मोड़ी शादी करनी है, हमने जेब मार भरी थी। अब आप यहाँ कोतवाली आए किस लिए आए? जेब के लिए आए भाई, ये पैसा मायने करिए। क्या नाम है? अरविंद। रुपए नहीं मिलते तो आप FIR दर्ज कराओगे? करा देंगे, और का जो नहीं मिलेगी तो।